देशभर में गुरु पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खरगोन जिले के बड़वाह में कई धार्मिक आयोजन हुए, जहां साधु संतों सहित भक्त शामिल हुए। कोरोना काल के 2 साल बाद देश भर में गुरु वंदना का पर्व गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहां साधु संतों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया गया, वहीं खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा नदी किनारे कई धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें साधु संतों के साथ श्रद्धालु शामिल हुए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय पूजनीय गुरुदेव जगत गुरु राजेश्वर माउली सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के इस अवसर पर हम सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं। मैं ऐसे ही अपने गुरुदेव जगत गुरु राजेश्वर माउली सरकार, जिनके मार्गदर्शन पर आज हम और हमारी संस्था ग्राम जोड़ो अभियान विकास से समृद्धि की ओर पर आज देश के विकास के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। संत आध्यात्मिक मार्ग पर तो चलने के लिए ज्ञान देते हैं, लेकिन जगत गुरु राजेश्वर माउली सरकार जिनकी एक नई सोच है, एक अनूठी पहल है, जिसमें समस्त आदिवासी जनजातीय का विकास, उनको सशक्त बनाना, ग्रामीणों का विकास, महिलाओं की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इस पर कार्य करने के लिए हमें मार्ग दिखाना, ऐसे गुरु के चरणों में सादर नमन है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने सामाजिक कार्य तथा समाज उत्थान के लिए हमें मार्ग दिखाया। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। हमारा बड़वाह नगर नर्मदा के उत्तर तट पर स्थापित है और इस नर्मदा के उत्तर दक्षिण तट पर दोनों ओर बड़ी बड़ी जगत गुरु के नाम से ख्याति प्राप्त हस्तियां विराजित है, जिनमें परम पूज्य श्री राजराजेश्वराचार्य मौली सरकार भी हमारे इस निर्माण मठ पर विराजित है, जिनकी आशीर्वाद और कृपा से बड़वाह और आसपास की जनता निरंतर लाभान्वित हो रही है। आपका सामाजिक सेवा कार्य का जो प्रकल्प है वह निश्चित ही अनुकरणीय है। आपने एक बार अपने भक्तों से कहा था कि ईश्वर भक्ति खूब करें, मगर समाज में जो गरीब तबका है, जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, जिन्हें बहुत सारी जरूरतों की आवश्यकता है, उनकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी यदि आप समय निकालते हैं और सेवा कार्य करते हैं तो वह भी किसी ईश्वरीय कार्य से कम नहीं है। ऐसे समाज के संतों को समाज निरंतर अपने आप में सम्मानित करता है और उन्हें इतना पूजनीय बनाता है कि वो ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। ऐसे ही राजराजेश्वराचार्य श्री राजेश्वर माउली सरकार, जो निर्माण मठ से होते हुए अमरगंटक के फलाहारी मठ हो या उनका कोंडनियापुर का आश्रम हो, महाराष्ट्र का आश्रम हो, सभी जगह निरंतर ग्राम जोड़ो अभियान के तहत ऐसी सेवाएं दे रहे हो और गरीब आदिवासी और पिछड़े वर्गों को निरंतर अपनी सेवाओं से अभिभूत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आपके इस सेवा कार्य को बार बार नमन है। गुरु पूर्णिमा पर आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री गुरुदेव। बड़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।